हाजीपुर को मामला है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर पीजी सोना जी, प्रदेश का होम मिनिस्टर बमंग फिलिक्स जी, सिटिंग एमएलए केंतो जिनी जी, न्यामर करबक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आलो वेस्ट से तोपिन एते जी, बासर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से न्याबी दर्जी जी, फॉर्मर मिनिस्टर वेस्ट सियांग कैंपेन कमिटी चेयरमैन दोए आदो जी, चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी ताई गोए जी, हमारा फॉर्मर कमिश्नर इंफॉर्मेशन का गुमजुम हैदर जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिंटो एते जी, और हमारे यहाँ सीनियर लीडर्स बहुत बैठे हुए हैं। असिकितो सोरा एक्स एमएलए बैठे हैं, बहुत सीनियर हमारे पंचायत के और समाज में सेवा करने वाले काफ़ी यहाँ चर्चित चेहरे आए हुए हैं। पार्टी का हमारा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के और उनके जो टीम कैप्टन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिंटो एते जी, जितने भी पोलो पार्टी आज के इस आलो का रैली में आए हुए, मीडिया के बंधुओं और हमारे समर्थक जितने भी आज यहाँ आए हैं, और टेलीविजन न्यूज चैनल के माध्यम से जो सुनने वाले सिर्फ वेस्ट सियांग ही नहीं बल्कि हमारे लेपा रादा डिस्ट्रिक्ट के सियांग के खास करके रुमगोंग काइंग साइड से, पेसिंग जबलू बबुक से और आगे सीओबी से भी काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने ओर से यहाँ के तमाम आज के इस रैली में आए हुए सबको प्रणाम देना चाहता हूँ। मोपिन फेस्टिवल का अभी अभी जो खत्म हुए हैं उसके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत सा नया चीज मुझे बताने का नहीं है, मेरे लिए ये आलो या जो अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है ये कोई नया नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए और मैं आपस में एक दूसरे को नई चीज बताने का नहीं है। मेरे बारे में आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं और आपके बारे में भी मुझे पूरा अपना एक्सपीरियंस के तौर पर पूरा आइडिया है, मुझे मालूम है। चुनाव आने की वजह से आज आपको फिर से कुछ बातें मुझे जरूर शेयर करना है। 2014 में जब मैं पहली बार मिनिस्टर बना और मेरे जिंदगी में पहली बार मैं सरकार में भाग लेने का मौका मिला है। मेरा सारा लाइफ ऑपोजिशन पार्टी में, मेरा स्टूडेंट जमाने से लेकर के कई साल तक पॉलिटिकल पार्टी में काम करके हमने ऑपोजिशन पार्टी में काम किया। 2004 में आप लोगों ने मुझे एमपी बना करके एक ऑपोजिशन एमपी के तौर पर मैंने पार्लियामेंट में जितना भी काम किया वो आप सबको मालूम है। तो 2014 में जब मैं मंत्री बना, मैं आलो में आकर के उस समय आपको बताया और आपका पुकारा भी था कि मेरा जिम्मेदारी बदल गई है। मैं जब एमपी रहते समय और एमपी बनने से पहले गांव गांव हम जाते थे, घर घर घुसते थे, लोगों से मिलते थे, उसके वजह से आप लोग ने प्यार मोहब्बत से मुझे एमपी बनाया। और जब सरकार में आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाता है, भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मैं सिर्फ एक प्रदेश या एक लोकसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रख सकता है। जब आप बड़ा नेता सीनियर लीडर बनता है तो आपका जिम्मेदारी बढ़ता है, तब जाकर के आपको पूछेगा, तब जाके आपको लोग मानेगा कि ये देश सेवा कर रहे हैं। और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका एमपी सिर्फ अपना ही जगह नहीं बल्कि आप पूरा देश को सेवा कर रहा है। इसलिए आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 2014 के बाद मेरा लगातार गांव गांव आना, मैं चाहता हूं कि मुझे आना चाहिए लेकिन समय साथ नहीं देगा, मेरा जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो उस जमाने में
मुझे तो पूरा याद है, यहाँ एक एक गांव, एक एक देरे में मेरा मीटिंग हुआ है, हर एक लोगों से मेरा मुलाकात हुआ है। लेकिन सरकार में आने के बाद धीरे धीरे मेरा जो जिम्मेदारी है वो हमारे राज्य के सरकार के पास, यहाँ के लोकल एमएलए और लोकल जो लीडर है पंचायत के, उसके ऊपर में जिम्मेदारी दिया है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे बिहाफ से आपको ही जनता को बताना होगा कि जिस आदमी को आपने एमपी बनाया वो देश सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ भी आते रहेंगे मगर पहले की तरह आने का संभावना नहीं है। इसलिए आज आपके बीच में आया तो कभी कभी एक दो बातें मुझे सुनने को मिलता है। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के बारे में खराब नहीं सोचा और खराब शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सुना होगा इतने साल तक, अब ये मेरा चौथी बार, चार बार लोकसभा का टर्न का मौका है और इस बार मिला कि टोटल 5 times लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। और मैंने कभी भी अपना भाषण में, ये आपको रिकॉर्ड में भी आप देख सकते हैं, सिर्फ आलो में नहीं, कहीं भी मैंने मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ता है उसके बारे में एक टिप्पणी तक मैंने कभी नहीं किया। मैं सिर्फ हमेशा यही बात कहता रहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, अरुणाचल प्रदेश के लिए मेरा योगदान क्या रहेगा, मैंने इसी पे फोकस किया है। नीतिगत पर कांग्रेस पार्टी का जो कमियां है उसके बारे में मैंने जरूर बोला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 60 years तक हमारे देश को चलाया है और हम लोग जब छोटे थे तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ही शासन किया है। इसलिए जो भी कमियां कांग्रेस पार्टी की ओर से रहा है मैंने उसके बारे में जरूर बताया, लेकिन कभी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि, मेरा जो ओपोनेंट कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद कभी कभी कुछ बातें मुझे सुनने को मिल रहा है, इसलिए मैं एक दो बात जरूर जवाब देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में अगर मेरे खिलाफ दुष्ट प्रचार करेगा, झूठे बातों को यहां फैलाएगा, तो मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुझे ये सुनने को मिलता है आलो में भी और कई जगह में कि किरेन रिजिजू को आप लोगों ने 3 बार एमपी बनाया, 3 बार एमपी बना के आपको क्या मिला है बोलता है। और हमारे यहां कई लोगों में ये सचमुच में ऐसा बात बोलने से वो सच सोचता है कि मुझे भी बोला है खुद, कई लोग महिला भी मेरे पास आते हैं, बूढ़ा बूढ़ी भी मेरे पास आता है और ये प्रोपोगेंडा को सुन के बोलता है सर आपको हम लोगों ने 3 बार वोट दिया है लेकिन आपने अभी तक हमको कुछ नहीं दिया। मैं सबसे पहले अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, यहां आलो टाउन में हर एक डेरे, हर एक कॉलोनी में आप आज जाके देखिए, इधर कोम्बो बेल से लेकर के तादिन साइड, जिर्दिन साइड, काप मंदिर से एक एक गांव जाके देखिए, इस तरह पुशी बांगो में बागड़ा साइड से लेकर के इधर उब बांगो से दिखते साइड में तबासोरा साइड से लेकर के पूरा रुंगों काइंग मेचुका मणिगांव, आप लोअर सियांग में वहां दुर्पाई से लेकर के सीली तक और दीपा तक और इधर बासर एरिया से लेकर तिलबिल तक आप पूछ के देखिए, आप अगर ढूंढेगा हर एक गांव में किरण रिजिजू का निशाना जरूर खड़ा है। वहां कोई ऐसा गांव नहीं है, आपने कभी सुना है क्या कोई एमपी का किसी गांव में निशाना है, आपने कभी सुना है क्या? ये हमसे पहले भी आपने कभी सुना नहीं है कि एमपी गांव गांव तक स्कीम पहुंचाता है, लेकिन मैं आपको आज आपके सामने में खड़ा करके मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि हर एक गांव में मेरा निशाना है और इधर आलो टाउन में भी आप हर एक कॉलोनी में जाके देखिए मेरा निशाना है। इसलिए मैंने 2019 का बात बोला है और सीएम साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया आपका जिम्मेदारी बढ़ गया है, अब आप ये एमएलए वाला काम आप नहीं कर सकता है, कॉलोनी कॉलोनी घूम के आप अगर करते रहेगा
तो देश का नेता नहीं बन पाएगा। आप सीनियर लीडर बन चुके हैं और आप हमारे यहाँ लोकल एमएलए का काम को एमएलए को ही करने दीजिए पूरा जिम्मेदारी के साथ। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते आपका संदेश को हमारा एमएलए टीम के साथ मिलकर के हमारे पंचायत के साथ तालमेल करके लोगों तक तो हम पहुंचाएंगे। इसलिए 2019 के बाद कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो एमएलए का देख रेख में काम होता है। मेरा समय नहीं होने की वजह से मैंने जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर में छोड़ा है। दूसरा मुझे पूछता है कि किरेन रिजिजू ने भारत सरकार में मंत्री होकर के क्या दिया है। कभी कभी मुझे दुख भी लगता है कि जो झूठ बोलने वाला तो बोलता है लेकिन उस झूठ को सच मानने वाला लोग भी कभी कभी निकल जाता है। जब गांव से बूढ़ा बूढ़ी आता है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मणिगांव हमारा ये अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग का सबसे बैकवर्ड एरिया में से मणिगांव को माना जाता है। मणिगांव से बहुत बूढ़ा बूढ़ी 80 साल पार हो गया, बूढ़ा बूढ़ी दिल्ली आ गया और मैंने भी बहुत ताजुब से देखा इतना बूढ़ा बूढ़ी दिल्ली कैसे पहुंच गया, कौन लेके आया है वो तो मालूम नहीं, ट्रेन में कैसे चलना है, प्लेन में कैसे चलना है उसको मालूम नहीं है। तो बताया कि उनके वहां से एक स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ता है, उसने मदद करके और उसको पैसा दे करके ट्रेन टिकट काट के दिल्ली में आया। तो मेरे घर में आया, मैंने पूछा है कि ठीक है आप दिल्ली तक इतना मुश्किल से आया है, हमको आप क्या बोलने के लिए आया बताइए। तो बूढ़ा बूढ़ी बोलता है, सर हम लोग तो आपको 3 बार वोट देके एमपी बनाया, अभी आपका पास हम लोग दिल्ली में स्कीम मांगने के लिए आया है, डायरेक्ट आपसे स्कीम मांगने के लिए आया है। और क्यों बोला, तो वहां किसी लोकल लीडर ने बोला है डायरेक्ट किरेन रिजिजू के पास जाके दिल्ली में स्कीम मांगो ना, वो तो गवर्नमेंट आदमी है दिल्ली में बैठा है वो स्कीम देगा, बोलता है सीधा यहाँ आया। मैं आज हमारा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारा एमएलए सारा टीम यहाँ बैठे हैं, जिला परिषद मेंबर से लेकर के पंचायत जितना सीनियर लीडर यहाँ आया उनके सामने में हम वेस्ट सियांग का अनडिवाइडेड पूरा टेरिटोरी के जनता को मैं पूछना चाहता हूँ। आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में जो भी स्कीम मेरा इनिशिएटिव में जो यहाँ वेस्ट सियांग अनडिवाइडेड एरिया में जो भेजा है कि पब्लिक को नहीं मिला है क्या, मैंने हर एक आदमी को पूछा है आपका गांव जब मैं एमपी बनने के लिए नया नया पैदल मार करके कैंपेन कर रहा था, मणिगांव जैसे तो छोड़ दीजिए, कई इलाका मेजोरिटी में हम पैदल घूमता था या हाईवे नहीं था रास्ता नहीं था, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलता था। मैंने पूछा है बूढ़ा बूढ़ी को, मैंने पूछा है आपका 60 ईयर से ऊपर होने के बाद में आपको ओल्ड एज पेंशन नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको बूढ़ा बूढ़ी होने के नाते प्यार से आपका अकाउंट में पैसा डालने का काम किया है, वो पैसा मिला क्या, बोला। तो बूढ़ा बूढ़ी मुझे बताता है कि वो पैसा तो मिल रहा है, बोला। फिर मैंने पूछा महिलाओं को कि आपको मातृ वंदना योजना में प्रेगनेंसी के समय में मदद या आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आपको जो मदद मिलता है, बच्चों को स्कूल में खाना फ्री में पोषण योजना के तहत फ्री चावल फ्री खिचड़ी के लिए पैसा भेजता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता है। वो बोलता है कि ये तो मिल रहा है, बोला मदद मिल रहा है, बोला। मनरेगा के तहत हर गांव में योजना तहत जो भी आप लोग पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है उसके लिए पैसा भेजता है, वो मिला है क्या, मिलता है, बोला। हर एक गांव में मैं एमपी बनने से पहले जो कॉमन टैंकी जो टाउन एरिया को छोड़ के मैक्सिमम दूर दूर बॉर्डर एरिया में पीने का पानी भुगने के लिए औरत लोग वो सामान लेकर के बहुत दूर में नाला में जाकर के पानी लेके आना पड़ता था, हम लोगों ने उसको हर एक घर में पानी पहुंचाने के लिए एक मंत्री कमेटी बनाया, मैं खुद उसमें मेंबर है। 8 मिनिस्टर का एक कमेटी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जो कमेटी ने रेकमेंड किया कि मोदी जी का सरकार हर एक घर में पीने का पानी पहुंचाएगा। और आज मैंने पूछा है सबको
कि आपका गांव में जल जीवन के तहत पाइप से पानी आ रहा कि नहीं आ रहा है। वो बोलता है हर एक गांव में पानी पहुंचाया है, और सिर्फ गांव ही नहीं, अभी हम लोग पाइप से आपका घर के अंदर तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो आपका घर में पानी पहुंचाने का फायदा क्या है आपको मालूम है? और जब कोविड आया तो हम लोगों ने गरीबों को, खास करके जो पहाड़ में जो खेती बाड़ी ठीक से नहीं कर सकता है, उसके लिए चावल का व्यवस्था, और नीचे में तो गेहूं रोटी खाता है, खाने पीने का व्यवस्था करके 5 केजी करके हम लोगों ने फ्री में बांटने का काम किया है। उसको मैंने पूछा है मिलता है क्या, बोला वो भी मिलता है। बोला आपका घर में बिजली पहुंच गया क्या, वो भी पहुंचता है। बोला तो मैंने गिन करके जितना सेंट्रल स्कीम जो भेजा है वो मिलता है। बोला है तो हम बोला अगर ये सारा स्कीम मिल रहा है तो क्यों बोलता है कि किरण रिजिजू ने कुछ नहीं दिया है? ये जितना स्कीम जो भेज रहा है वो हम ही तो भेज रहा है, मोदी सरकार ने ही तो भेज रहा है। फिर उससे आगे पूछने का क्या है कि किरण रिजिजू ने क्या दिया है? आदमी को जीने के लिए रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, उसका व्यवस्था हम लोग ने कर रहा है, खाना के लिए, गरीबों को घर बनाने के लिए, और साथ साथ में बेसिक सुविधा के लिए बिजली, सड़क, पानी, आपको पीने का पानी, घर में जलाने के लिए बिजली, चलने फिरने के लिए गाड़ी, रास्ता, ये बेसिक जरूरी होता है हर एक गांव में पहुंचा रहा है। उसके ऊपर आज फैसिलिटी के लिए हमने वादा किया कि ये 2024 इलेक्शन से पहले हर एक गांव में मोबाइल टेलीफोन का आप फैसिलिटी हम लोग पहुंचेगा, एक वादा करके दिया है, और आज मेजोरिटी गांव में मोबाइल टेलीफोन का फैसिलिटी पहुंच चुका है। एक तो बहुत दूर दराज में वो टावर लगाने में टाइम लग गया, वहां कुछ वो जो नेटवर्क वहां पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं एक दो जगह चाहे आंधी आता है, तूफान आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ जगह छोड़ के मेजोरिटी जगह में सारा फैसिलिटी पहुंच चुका है। फिर भी बोलता है कि किरण रिजिजू ने क्या दिया है? उसके बाद में यहाँ एक बदनाम किया गया है कि यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीकेज हुआ है और उसमें किरण रिजिजू ने क्या किया है। सबसे पहले जो बाकी गांव के लोग अगर नहीं जानती बोलता है तो माफ कर सकते हैं, पढ़ा लिखा जानने वाला ये जानते हुए भी बोलता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के अंदर में नहीं होता है, अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट जरूर करता है, गवर्नर के माध्यम से उसका ओथ टेकिंग होता है, लेकिन कमीशन बनने के बाद वो कमीशन किसी सरकार के अंदर में काम नहीं करता है, वो ऑटोनोमस होता है। वहां नौकरी कैसे देना, एग्जाम कैसे कंडक्ट करना, टोटली इंडिपेंडेंट है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट जो किया, उसी कमीशन के अंदर में पेपर लीकेज हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले में तो ओपनली नौकरी भी बिक्री करता था, आप पूछिए, आज यहां में काफी रिटायर्ड ऑफिसर लोग भी बैठा है, उस जमाने में नौकरी पैसा देकर के नौकरी खरीदता था, ये सबको मालूम है। लेकिन कमीशन बनने के बाद, पेमा खांडू सरकार बनने के बाद, जो नीचे ग्रेड का स्टाफ के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया, और फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से अपॉइंटमेंट होता है, और जब तुरंत हम लोग का जब खबर मिला पेपर लीकेज का मैटर सामने में आया, तो पेमा खांडू साहब ने मुझे फोन किया और बताया कि पेपर लीकेज का मामला सामने में आया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगा और कमीशन का हम लोग पूरा प्रेशर डालेगा कि इसको ठीक करना है। और जैसे मैंने कहा कमीशन गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है, फिर भी पेमा खांडू साहब ने कमीशन के पूरा मेंबर, मैं ये नहीं कहता कि कमीशन में हर एक मेंबर ने चोरी किया है, लेकिन क्योंकि बदनाम हो गया है इसलिए कमीशन का जितना मेंबर है आप लोग मॉरल ग्राउंड में रिजाइन करना है, और सारा कमीशन का मेंबर चीफ मिनिस्टर के रिक्वेस्ट में सब लोग ने रिजाइन किया है, और जो जो उस पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में काम करने वाला जिसका खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत आया है सबको अरेस्ट किया और सबको जेल डालने का काम ये पेमा खांडू सरकार ने किया है। और जब एक्शन लिया उसके बाद एजेंसी जो काम करता है उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट जो है किसी सरकार का अधीन नहीं होता है,
मेरे पास में जब खबर आया, सबने कहा कि अरुणाचल पुलिस के ऊपर में भरोसा नहीं है, सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी होना चाहिए। तो मैंने उस समय में, इस देश का कानून मंत्री था, सीबीआई डायरेक्टर को मैंने खुद बोला है कि आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो घपला हुआ है उसको छोटा मोटा केस मत सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको केस रजिस्टर करके आप तहकीकात कीजिए। तो सीबीआई के पास में हजार हजार केस आता है, उसमें वो मुश्किल से 5% केस रजिस्टर कर सकता है, उसका भी लिमिटेड होता है, बाकी स्टेट का एसआईटी करता है, एसआईसी करता है। लेकिन अरुणाचल का पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज का स्कैम को तहकीकात करने के लिए सीबीआई का पूरा टीम अरुणाचल में आया है और उसका मनी ट्रेल को, पैसा कहां कहां पेमेंट हुआ है उसको जांच करने के लिए भी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भी केस रजिस्टर किया। अब सीबीआई ईडी केस रजिस्टर करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का एसआईटी साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर मैं उसमें केस को इंटरफेयर करेगा तो फिर केस इंडिपेंडेंट नहीं होगा, नियम नहीं होता है, जब केस जांच होता है और कोर्ट में जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है। और ऐसा मुझे एलिगेशन लगाता है कि किरेन रिजिजू ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इस मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, एजेंसी के अपने आप आया क्या? ये किरेन रिजिजू है इसलिए आपका यहाँ में सीबीआई भेजा गया है, इसलिए यहाँ ईडी आया है और इस तरह का यहाँ झूठे बातों को फैला करके बदनाम करने का कोशिश करता है। आपको आज मैं एक दो बड़ा बात मैं बताना चाहता हूं। मैं एक सिंपल आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, एज अपोजिशन एमपी के रूप में मैं क्या कर सकता हूं, हमारा प्रदेश के लोगों ने भी देखा है और देश ने भी देखा है। जब मैं नया नया एमपी बन के गया, मुझे भी कोई जानते नहीं थे, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख का बात यह है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश को कोई नहीं जानता था। हमारा प्रदेश कम लोग है, हमारा सिर्फ 2 एमपी है, हमको दुनिया नहीं पहचानते थे। उस समय जो अरुणाचल का स्टूडेंट, अरुणाचल से बाहर पढ़ने वाला, इंजीनियरिंग डॉक्टर टेक्निकल पढ़ने वाला या जो आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने वाला को पूछिए हमारा क्या स्थिति था उस जमाने में, और 2004 से लेकर के 2009 तक हमने सीधा ठोक के लोकसभा में पूरा अरुणाचल प्रदेश जनता को गाड़ा है, कोई नहीं बोल सकता है। फर्स्ट टाइम पूरा हिंदुस्तान का मीडिया ने वोटिंग करके, मैं अपना आपको नाम लेकर के मैं बहुत इसमें बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधि रहा है इसलिए अरुणाचल के नाम के वास्ते मैं बोल रहा हूं, आपका एमपी किरेन रिजिजू को इंडिया का टॉप 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मीडिया ने ये रिकॉग्निशन दिया है। ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं, इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान का मीडिया ने मुझे आडवाणी जैसे बड़े नेता का साथ में टॉप 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टाइटल दिया है। तब जाकर के जब आपके एमपी लोकसभा में खड़ा करके बोलता है दुनिया सुनता है, ऐसे वहां जोकर बनकर के हम वहां ऐसे नाटक करने के लिए नहीं किया, सीरियसली अपना ईमान के साथ अरुणाचल का इज्जत को दुनिया के सामने में देखने के लिए हमने खड़ा किया है और दुनिया ने माना है। आज कोई बोलता है कि एमपी बन के पार्लियामेंट में बात करेगा, डिमांड करेगा, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कोई बोलता है कि एमपी बन करके पार्लियामेंट में अरुणाचल का बात करेगा, मैं कहता हूं वो हमारे लिए पुराना बात हो गया। आज अरुणाचल का एमपी देश चलाता है, नरेंद्र मोदी के साथ बैठ करके देश का तकदीर लिखता है। आज हमारे जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग राज्यों से एमपी बन के आता है, वो आपका एमपी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं सरकार हूं और मैं जवाब देने वाला हूं, मैं देश चलाने वाला हूं, ये आपका आशीर्वाद से हुआ है। आप एमपी बन के, ये कोई मजाक नहीं है, इसको लोग बहुत मजाक के तरीके से एमपी इलेक्शन के नाम में नॉमिनेशन फाइल कर देगा। डेमोक्रेसी में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी से झूठ बोल के घूमना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं, हमारा अरुणाचल प्रदेश की जितना महिला है,
नारी शक्ति के नाम से नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जिसको नारी शक्ति का टाइटल नरेंद्र मोदी जी 2014 में दिया है, उस नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करके 2026 में दिल में डिसीजन सेंसर करके 2029 तक अरुणाचल प्रदेश और पूरा देश में और पार्लियामेंट में मिनिमम 33% एमएलए और एमपी महिला होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए इतना सोचने के बाद अगर कोई महिला बीजेपी का वोट नहीं देता है, नरेंद्र मोदी जी का वोट नहीं देता है, तो मन में सवाल होगा नारी शक्ति के लिए महिलाओं के लिए इतना करने के बाद क्यों वोट नहीं देगा उस पार्टी को। नरेंद्र मोदी को हर एक महिला के आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया है 60 इयर्स तक भारत को चलाने के बाद एक महिला एमपी एमएलए का सीट रिजर्वेशन नहीं कर पाया। आज हमारा अनडिवाइडेड सीएम में एक न्याबी दिलची मैडम एक महिला कैंडिडेट बनकर के आज यहाँ खड़ी है और उसको जैसे भी जिताना है और वह हमारा महिलाओं का नंबर को बढ़ा करके 2029 इलेक्शन में तो अगर हमारा 60 असेंबली इलेक्शन से आगे नंबर बढ़ता है 33 तो महिला होना ही होना है। उसके अलावा जहां जहां से महिला जीत सकता है महिला का नंबर 50% भी हो सकता है 60% भी हो सकता है। इसलिए आज गांव गांव में ड्रोन दीदी के नाम में आप लोगों को महिलाओं के लिए स्पेशल बड़ा बड़ा ड्रोन का व्यवस्था किया जा रहा है। सारा एनजीओ से बात किया, मैंने खुद भी निगरानी किया है, या आलो एरिया में बासर एरिया ये एरिया में तो खेती बाड़ी पानी खेती भी बहुत होता है। इवन जहां पानी खेती नहीं होता है झूम खेती होने वाला पहाड़ों में भी ड्रोन के माध्यम से आपका फ्यूचर में वहां चाहे फर्टिलाइजर रखना हो चाहे आप सर्वे करना हो पूरा ड्रोन महिलाओं का ग्रुप में बड़ा बड़ा ड्रोन के माध्यम से आपका लाइफ बदलने जा रहा है। महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम किया। मैं आज यहाँ स्कीम का नाम लेकर के गिनती नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि स्कीम का नाम लेगा तो आज रात भर नाम लेने से खत्म नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक लोगों का जिंदगी सुधरने के लिए इतना काम जो किया है उसके बाद हमको एलिगेशन लगाता है कि आप किरण रिजिजू का एमपी बनाए वो क्या दिया है। मैं आपको आज पानी का जो सोर्स जहां से आना है और जीरो का पांगे नदी का जो रिसोर्स है दो वाटर सप्लाई के लिए सेंट्रल से पैकेज वर्कआउट करके डाइवर्ट करके आलो के लिए जीरो के लिए हमने रिलीज करवाया। बाद में पेमा खाटो साहब ने स्टेट फंड उसमें जोर की दोनों वाटर सप्लाई इतना अच्छा से बन गया है और आलो टाउन में जो पीने का पानी का क्राइसिस को हम लोगों ने खत्म कराया। वैसे ही नेक्स्ट फेज में टाउन वाइज जाएगा मेचुका मणिगांव से लेकर के पूरा जो आपको विलेज वाइज का रोड मैप बनाया है आपका पैकेज जो भी वर्कआउट करना है मैं करा दूंगा। आपका आलो टाउन काबू का और आलो टाउन का जो डेंजर है ये जो योंगो नदी की वजह से फ्यूचर आलो का डेंजर है इसलिए मुझे आप लोगों ने बहुत साल पहले इस्टीमेट दे करके इसका एम्बेडमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों ने बड़ा स्कीम हमको सबमिट किया था। उस समय फ्लड कंट्रोल का स्कीम बंद होने की वजह से काफी डिले हुआ लेकिन खुशखबरी ये है कि इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद से ये सारा फ्लड कंट्रोल का स्कीम को अप्रूव कर दिया है। ये जो इसका सिर्फ सिंध में सैंक्शन होना था लेकिन ये दो क्योंकि एक ही एरिया का है इसका हमने दो प्रोजेक्ट बनाया तो मेरा तरफ से चीफ इंजीनियर को यहाँ से दिल्ली से बता दिया है कि ये दोनों को क्लब करो काबू से आगे से लेकर के आलोक का टाउन प्रोटेक्शन को सिंगल यूनिट इसको बनाइए। तो ये स्कीम ऑलरेडी एक्सेप्ट करके ये अप्रूव हो चुका है अभी सिर्फ सेंक्शन होना बाकी है और टेक्निकल पेपर के लिए रुका हुआ है। उसी प्रकार से मैं स्कीम का नाम गिनती नहीं करूंगा चाहे यहाँ अलग अलग ब्रिज बनाने का ये हो गांव का इंटर कनेक्टिविटी हो बहुत स्कीम है आलो टाउन में मार्केट
मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आज भी महिला ग्रुप मेरे पास में आया। इसी प्रकार से जितना भी जो इंडिविजुअल स्कीम है मैं नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन सारे का सारा रिक्वेस्ट आपका जो भी पेपर है मैंने संभाल के रखा है और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब के साथ में तालमेल करके हमारा जितना लोकल एमएलए यहाँ जो चुन के आने के बाद तालमेल करके आपका एक एक स्कीम काम पूरा करेगा। सिर्फ ये है, यहाँ तो ऑफिसर तो नहीं है, ये पॉलिटिकल रैली है, इसलिए आज ऑफिसर नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं और इलेक्शन खत्म होते ही अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का हर एक ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर से लेकर के लाइन डिपार्टमेंट के जितना ऑफिसर को हम कहना चाहते हैं, अभी से जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक को पहुंचाएंगे, लोकल एमएलए लोकल जिला परिषद पंचायत लीडर के साथ तालमेल करके और हमको भी कॉपी देना है और पब्लिक को बताना है ये स्कीम देने वाला कौन है, तब ये सवाल नहीं करेगा किरण रिजिजू ने क्या दिया है। जब जब एक एक स्कीम लोगों को पहुंचाएगा उसमें बताना पड़ेगा कि स्कीम किसने दिया है, कितना पैसा दिया है और ये स्कीम लाने में कितना मशक्कत करना पड़ा है ये बताना पड़ेगा, नहीं तो स्कीम मिल जाता है फिर जो देने वाला को पूछता नहीं है, इतना मेहनत शांतिदी से स्कीम लाता है फिर हमको ही पूछता है कि किरण रिजिजू ने क्या दिया है, मर मर के काम करने के बाद बदनाम लेके घूमना तो ये अच्छा बात नहीं है ना। इसलिए जितना भी सो स्कीम बांटने वाला एजेंसी जो है इम्प्लीमेंटिंग करने वाला जितना भी डिपार्टमेंट है सबको बहुत कड़ा एडवाइस हमारे तरफ से आज दे रहा है, लेकिन चुनाव होने के बाद सरकार बनने के बाद इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा पास इतना और पॉइंट है पूरा बोलेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी लगभग 11:30 हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब को भी बोलना है, इसलिए मैं आप लोग आज इतना लोग यहाँ आया है आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए आपका वोट नुकसान नहीं होना है, किसी को 5,000 से वोट मिलना है नाम का कॉन्टेस्ट कर रहा है उसका आप वोट देगा, आपका वोट जो है वो सोच लो ये यमुना नदी सियांग नदी में फेंक दे जैसे हो जाएगा, आपका वोट नुकसान हो जाएगा, आपका एक एक वोट आपका फ्यूचर तकदीर बदलने के लिए काम आना चाहिए, मैं आपका फ्यूचर के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं देश दुनिया कहीं नहीं जाता, अमेरिका जाता हूँ, जापान जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, कहीं भी मैं खड़ा होता हूँ मैं किरण रिजिजू बोल के खड़ा नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश का चेहरा बन के मैं खड़ा हूँ। अरुणाचल प्रदेश को अगर पहली बार आजाद हिंदुस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर बन करके हमारे देश को सेवा करने का मौका मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर वो भी इनसिग्निफिकेंट छोटा डिपार्टमेंट दे के रखता था, चौकामन गोहाई से लेकर के डॉक्टर डाई एरी के जमाने से लेकर के हमसे पहले आशीष जारवाम गामलिन तक जितना भी एमपी बनाया है ना कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है ना कोई क्रिटिकल पोर्टफोलियो दिया है। मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल दे करके मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। हम लोगों का बहुत रेस्पेक्टेड लीडर आज इस दुनिया में नहीं है, तोमो रिबा साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे देश में ऐसा नेता बहुत कम है जो बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छा लीडर है, मैं तोमो रिबा साहब को बहुत इज्जत करता हूँ। तोमो रिबा साहब का साथ मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरा पिताजी का दोस्त था, मेरा पिताजी जो प्रो टर्म स्पीकर बनकर के सबको ओथ दिलाया 1978 असेंबली में, तो मैं ईटानगर गया, ईटानगर तो था नहीं उस समय, नाहरलगन में मैं बहुत छोटा था, तोमो रिबा साहब को मिला, तोमो रिबा साहब उस समय पीपीए बड़ा की नया जो उसका ये काम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग दिल्ली में बहुत अच्छा वाला एमपी बड़ा के भेजना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग दिल्ली जाता है कोई में नहीं बचलता है, हम मिनिस्टर होके भी दिल्ली गया, एमएलए होके भी दिल्ली गया, कोई इज्जत नहीं है, अच्छा एक चेहरा हम लोग को दिल्ली भेजना पड़ेगा। 1980 में जब पी के तुंगन एमपी बना, बाद में 1982 में उसको डिप्टी मिनिस्टर बनाया था,
लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाने का कारण से तोमर रिबा ने बोला है कि हमको एमपी बना के भेजो। ऐसे तोमर रिबा मैं बोल रहा हूं मुझे एमपी बना के भेजो, मैं एमपी बनूंगा तो मैं जो बाकी एमपी जो नहीं कर पाया मैं काम करेगा। उन्होंने बहुत संघर्ष पूर्वक कोशिश भी किया, इलेक्शन लड़ा, लेकिन तोमर रिबा साहब एमपी नहीं बन पाया। उसके बाद आगे इलेक्शन होते गया, तोमर रिबा साहब हारते गया, तो बाद में 1996 में तोमर रिबा साहब को पहली बार मौका मिला एमपी बनने के लिए, तो उसको लगभग 2 साल आधा का टेन्योर मिला है। तो मैं उस समय यूनिवर्सिटी में मैं एलएलबी कर रहा था, मैं लॉ पढ़ाई कर रहा था, लॉ पढ़ाई खत्म करके मैं वापस अरुणाचल आने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा बोल के तैयारी कर रहा था। मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोमर रिबा साहब को पूछा कि अंकल आप तो पहले एक जमाने में बोलता था कि आप एमपी बनने से पूरा पार्लियामेंट में हिलाएगा, अरुणाचल का नाम रोशन करेगा, तो अभी तो आपको तो इतना दिखाई नहीं देता है, तो आपने इतना बड़ा बड़ा वादा किया था, क्या हुआ? तो बोला बैठी किरण मत बोलो बोलता है, ये पार्लियामेंट में हम नया नया एमपी बन की बोलने के लिए बहुत कोशिश किया, कोई भी नहीं सुनता है, बोला सुनने वाला ही नहीं है, इतना झमेला ये पार्लियामेंट निपाक लोग इतना झमेला है, दूसरा का बात सुनता ही नहीं है, इसलिए आजकल हम गुस्सा से पार्लियामेंट जाना भी छोड़ दिया। ये ऐसा है, मामूली नहीं है, लोकसभा में चमकना यहाँ बड़ा बड़ा बात करने से नहीं होता है, वहाँ अलग। इसलिए मैं तोमर रिबा साहब का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि तोमर रिबा साहब ऑनेस्ट आदमी था, सचमुच काम करना चाहता था, लेकिन माहौल ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, और उस हिंदुस्तान का लोकसभा जहां 140 करोड़ का प्रतिनिधि लोकसभा में बैठता, उस लोकसभा में जब आप खड़ा करके भाषण देता है तो दुनिया सुनना चाहिए, तो दुनिया सुनने के लिए आपको भी उस लाइट का बात करना चाहिए। आप वहां हल्का पक्का बात करेगा कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक लोकसभा का प्रतिनिधि करके वहां अपना अपना जगह का बात करता है। नरेंद्र मोदी जी भी एक लोकसभा का एमपी है, अमित शाह भी एक लोकसभा का एमपी है, लेकिन वो बड़ा नेता क्यों हुआ? कि उसमें देश को सेवा करने का क्षमता है, दुनिया का सामने में सीना टोक के अपना देश का बात कर सकता है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुका है। वैसे ही जितना भी हमारा सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है सब किसी ना किसी लोकसभा से चुन के आता है, लेकिन जो भी लोकसभा से चुन के आता है सब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाता है, सबका बात नहीं सुनता है, एमपी लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानता। अभी भी इतना बड़ा 543 लोकसभा का सीट में, इतना बड़ा पार्लियामेंट में बहुत कम लोग है जो चमक सकता है। इसलिए मैं आपको फिर से अपना वादा करके जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ किरण रिजिजू जो बोल के कभी भी खड़ा नहीं होता हूँ। मैं जब अकेला था मेरा साथ में ना चीफ मिनिस्टर था ना एमएलए था, मेरा साथ में कोई गवर्नमेंट नेता कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, तब हजारों अरुणाचल लोगों ने मेरा साथ खड़ा करके मुझे एमपी बना के भेजा है। इसलिए मैं जहां खड़ा होता हूँ मैं एक आदमी होकर नहीं बोलता हूँ, मैं पूरा अरुणाचल का 15 लाख आदमी का आवाज को अपना ताकत बना करके मैं बोलता हूँ, इसलिए मेरा आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। अगर मुझे कंपीट करना है तो आप काम करके कंपीट करो, झूठा वादा करके यहाँ बहला के लोगों को अनाप शनाप बातें करके चुनाव प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। आपका सपना पूरा करने के लिए पेमा खांडू साहब यहाँ बैठा हुआ है, उस वही चीफ मिनिस्टर है कल, वही आपका ये दिखेगा। आपका बड़ा सपना अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैठा हुआ है, उसका ब्रिज का काम करने के लिए हम खड़ा है। यहाँ कौन है तकलीफ के समय में दिखने वाला? कौन है कोविड के समय में सारा लोग लॉकडाउन होके बैठा है, या ऑक्सीमीटर से लेकर के ऑक्सीजन का जितना भी सामग्री से लेकर के और आपका यहाँ मास्क लगाने का सामान से लेकर के छोटा मोटा दवाई का कौन भेजा है? आप किसी भी एमपी को पूछिए, किरण रिजिजू दुनिया लॉकडाउन में था, ट्रक का ट्रक भर के हमने सारा सामान अरुणाचल के लिए भेजते रहा। आप अभी भी जाके पूछिए, डीएमओ साहब को पूछिए, डॉक्टर लोग को पूछिए, वो सामान किसने भेजा है?
ये कोई फॉरेन ने नहीं, फॉरेनर किसी बाकी सरकार ने नहीं भेजा है, ये आपका एमपी ने भेजा है। अभी भी आप आलोका हॉस्पिटल में जाके देखिए, एक्सरे मशीन किसने दिया है, डेड बॉडी को ले जाने का गाड़ी किसने दिया है, वहां में जो नर्सिंग हॉस्टल जो खोल के रखा है वो पैसा किसने दिया है। ये अपना गवर्नमेंट का सैंक्शन करने का जो स्कीम चलता है उसका अलावा हमने ढूंढ ढूंढ के पैसा मैनेज करके ये सब पहुंचाया है। आप आसाम में जाके पूछिए, निकाबाली में, गेंसी में जाके पूछिए, यहाँ आप असम दुर्जी सोरा साहब को पूछिए, सीओ में डिस्ट्रिक्ट में जो एम्बुलेंस वगैरह पहुंचाया है, मंडीगांव से लेकर तदा देखे से लेकर भयंकर तो रास्ता वहां कौन बनाया है, ये सारा चीज को मजाक मत बनाइए। चुनाव में मजाक करके गुमराह करके या फुर्ती करने का नहीं है, ये चुनाव तकदीर बनाने के लिए, फ्यूचर खड़ा करने का चुनाव है। और इस तरह का चुनाव को मजाक तौर पर या फुर्ती करके गाला गाले करके घूमने का चुनाव नहीं है। इसलिए आपका वोट नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से मुख्यमंत्री जी का ब्लेसिंग से, सपोर्ट से, जो भी मेरे नाम से जो भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट करता है उसके अलावा भी मेरा तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वासन देता हूं आपके सामने में, पेमा खांडू साहब और टीम को आश्वासन देता हूं, जितना स्कीम है मैंने आज तक अरुणाचल प्रदेश के लिए किया है, आने वाले दिनों में उसका डबल से भी ज्यादा मजबूत करके अरुणाचल को अगले 8-9 साल के अंदर में हिंदुस्तान का टॉप 3 का जीडीपी पर कैपिटा इनकम में पहुंचाने के लिए जो संभव होगा मेरा तरफ से पूरा करने का गारंटी लेते हुए नरेंद्र मोदी जी के नाम में, पेमा खांडू जी के नाम में, जितना हो सके अनडिवाइडेड सियांग डिस्ट्रिक्ट में हो सके तो सेम पर्सन एक भी मिस्टेक ना हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मैं अपील करके मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।